सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि देवनागरी लिपि तो हाल फिलहाल की लिपि है, ये 7वीं शताब्दी की लिपि है, तो संस्कृत तो इसी में लिखी जाती है, तो क्या संस्कृत इसके पहले नहीं थी? 7वीं शताब्दी के बाद संस्कृत भाषा आई है। तो यह बतलाना चाहता हूँ कि भाषा अलग चीज़ होती है और लिपि अलग चीज़ होती है। भाषा आप अन्य लिपि में लिख सकते हैं, बल्कि किसी भी लिपि में आप लिख सकते हैं भाषा को। जैसे कि आप जो है उसको अरबिक लैंग्वेज है तो उसको अरामेक लिपि में भी लिखते हैं। आप तमिल को भी ब्राह्मी लिपि में लिख सकते हैं, पहले लिखा भी जाता था, प्राकृत को भी लिखा जाता था। तो ये प्राकृत है, पाली है, संस्कृत है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। तो ब्राह्मी लिपि कम से कम वह इतिहासकार साहब 300 से 400 ईसा पूर्व का मानते हैं कि उस समय भी ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। तो उसके पहले संस्कृत जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी, खरोष्ठी लिपि में भी लिखी जा सकती है, खरोष्ठी लिपि भी थी। और यह जो आरोप एक और आरोप इसमें लगाया गया है कि ब्राह्मी लिपि में तो वो कैसे लिखा जाएगा, विसर्ग होता ही नहीं है और त्र नहीं होता है, छ नहीं होता है, तो षटकोण वाला स नहीं होता है। तो इस तरह की जो बातें हैं ये फजूल की बातें हैं। ये जो लोग लिपि ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला नहीं देखे हैं वही इस तरह की बातें करते हैं। मैं आपको ब्राह्मी लिपि की जो वर्णमाला है उसको मैं कहूँगा कि आप जाके देख लें, इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, वैसे मैं इस वीडियो में भी शेयर कर दूँगा, आप उसमें देख लेना। विसर्ग भी होता है और आपका ये तीनों ही स होता है, श श स, ये तीनों ही होता है, यानी सलजम वाला स, षटकोण वाला स और सूर्य वाला स, ये तीनों ही स होता है। उसी तरह से वो रेफ भी होता है और जो छ की बात कर रहे हैं वह भी होता है, मैं उसको भी आपको इसमें शेयर कर दूंगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते हैं या ज्ञ नहीं होता है, सब सभी होते हैं। तो उसमें लिखे जाते थे पहले, तो लिखे जाते थे तो संस्कृत को उसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी, ब्राह्मी लिपि में भी लिखे जाते थे, तो आप अन्य भाषा में भी लिखे जा सकते हैं अगर आप लिपि का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, कुछ रुचि लेंगे, देखेंगे, मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये सब जो निरर्थक
बातें करने वाले लोग हैं वे इस तरह की बातें करते हैं, इसमें कोई भी कोई महत्व नहीं है। अब संस्कृत की जो पांडुलिपि की बात है कि क्या उसके प्रमाण है, तो आप देखिएगा स्पिट्जर जो मॉरिस स्पिट्जर थे, तो उनकी जो पांडुलिपि है जर्मनी में है, तो वह जो है वह पांडुलिपि ब्राह्मी लिपि में है और संस्कृत भाषा है, और उस संस्कृत भाषा में उसमें और वह जो लिपि है वो करीब जो है 2000 वर्ष पुरानी है। वह चीन में मिली थी विश्व युद्ध के दौरान, तो वह लिपि वह जो पांडुलिपि है सॉरी तो वह पांडुलिपि मिली थी विश्व युद्ध के दौरान मॉरिस स्पिट्जर की, तो वह संस्कृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि है, उसमें सब राम का वर्णन है, लंका का जिक्र है, तो इन सब का जिक्र है उसमें। तो ऐसे कहना कि ऐसा कोई है नहीं, ये गढ़ लिया गया है अपने से, ये सब फिजूल की बातें, अनावश्यक विवाद पैदा करने के लिए, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दम नहीं है। और कुछ मान लीजिए जो नौ बौद्ध हैं वे सब सभी सब फिजूल का उपद्रव खड़ा कर रहे हैं, इसका कोई जो है औचित्य नहीं है, ना तार्किक ना ऐतिहासिक ना वैज्ञानिक किसी प्रकार का, ना भाषाई लिंग्विस्टिक लेवल पर भी इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसमें ज़्यादा बोलने का विषय नहीं है। तो वह जो लिपि जो मैंने बताया स्पिट्जर की जो पांडुलिपि मिली है, तो उसकी कार्बन डेटिंग से ही वह पता चला है, तो मनमाना नहीं है, 130 ईस्वी बताया जा रहा है उसमें, 130 ईस्वी। तो जो वह जो है वो ब्राह्मी लिपि में है और वो कुषाण ब्राह्मी है उस लिपि का। ब्राह्मी की भी कई कैटेगरी होती थी, अलग अलग जिस जिस क्षेत्र में होते थे तो उसमें थोड़ा थोड़ा मामले सा अंतर आता था, तो कुषाण पीरियड का था वह, तो कुषाण ब्राह्मी में बाहर कुषाण के जो थे उसी समय अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र भी लिखा था, तो वह अश्वघोष के लिखी हुई जो है बुद्ध चरितम वह भी संस्कृत में ही है। तो इसमें इतना ही, मैं समझता हूँ आपकी समस्याओं का हल हो गया होगा। हरिओम।